पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तो, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। मुझे मालूम है आप लोगों ने पूरे हफ्ते मेरा इंतजार किया है, तो लीजिए आपका इंतजार खत्म और मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको ले जाने के लिए देश के किसी ऐसे कोने में जहाँ एक निरक्षर साक्षर होकर अपने साक्षर होने की कहानी स्वयं लिख रहा है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ कल तक साक्षरता के नाम पर कुछ नहीं था, मगर आज लोग सिर्फ साक्षर ही नहीं है बल्कि अपने आप को रोजगार से भी जोड़ रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाते हैं बिजनौर उत्तर प्रदेश के अतीकुर रहमान से, जो ग्राम हिमपुर बुजुर्ग के रहने वाले हैं। जब इस गांव में साक्षरता केंद्र का शुभारंभ किया गया तब इस गांव में साक्षरता जैसी चीज नहीं थी, क्योंकि गरीबी के कारण लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करना पहले पसंद करते थे और इनकी निरक्षरता का कारण भी यही रहा। लेकिन अतीकुर रहमान इस केंद्र से साक्षर होने के साथ साथ स्वयं सहायता समूह बनाने में सफल हुए और इसके साथ गांव वासियों को साक्षरता से जोड़ने में भी कामयाबी हासिल की। अतीकुर रहमान ने ये सब कैसे मुमकिन कर पाया, कैसे आज वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आपको चलना होगा अतीकुर रहमान के गांव हिमपुर बुजुर्ग। तो चलें। जिंदगी हमें हर दिन कुछ ना कुछ सिखाती है, हर हादसा हमें एक सबक देकर गुजर जाता है, बस बचते हैं तो कुछ अवशेष जो हमें रोकते हैं अगली बार जीवन में किसी भी ऐसी गलती ना करने से। मगर इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलती को पूरी जिंदगी सुधारने की कोशिश करते हैं और उसी गलती को सुधारते सुधारते वो इतने कामयाब हो जाते हैं कि किसी को इसका अंदाजा तक नहीं हो पाता। यही हुआ अतीकुर रहमान के साथ, जो ग्राम हिमपुर बुजुर्ग जिला बिजनौर के रहने वाले हैं। गरीबी और पिछड़े होने की वजह से कभी पढ़ ही नहीं सके, निरक्षर ही जीवन यापन कर रहे थे। अगर सही से गौर करें तो इस गांव में निरक्षरता अपने चरम पर थी। ये लोग साक्षरता के महत्व को कभी भी समझ ही नहीं सके थे। बिजनौर में जब साक्षरता कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया तो लाजमी था कि इस गांव में भी साक्षरता दर बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की जाए। प्रेरक के रूप में कमलेश राठी को चुनकर साक्षरता कक्षाओं का शुभारम्भ हुआ। लोगों में साक्षरता के प्रति वो रुचि नहीं दिखी। पहले तो वो कहती थी तुम तो खाली हो, तुम्हें तो कोई काम नहीं है, हमें तो गन्ना छीलने जाना है। मैंने कहा ये सब तो काम हम भी करते हैं, भैंस भी पालते हैं, सारा काम करते हैं। कहते हैं हमारे परिवार वाले लाइक नहीं करते, इस चीज को पसंद नहीं करते। मगर इसमें एक बड़ा काम ये हुआ कि गांव के प्रधान ने आगे आते हुए अपनी निरक्षरता से छुटकारा पाने के लिए केंद्र पर अपना नामांकन करवाया। हमारे यहाँ के प्रधान भी निरक्षर थे, वो ये कहते थे तुम दूसरे गाँव से 3-4 किलोमीटर चल जाती हो, तुम्हें कुछ और काम नहीं है। फिर उन्होंने प्रधान जी को बताया कि प्रधान जी तुम्हारे गांव का डीलर जब चीनी बांटता है 2 किलो की जगह तुम्हारे यहाँ 3 किलो चढ़ा लेता है तुम्हारे नाम पे। तो धीरे धीरे प्रधान जी जब आने लगे तो फिर गांव की आम जनता का भी रुझान बढ़ा। अब पूरे गांव में साक्षरता का बिगुल सा बज गया और पूरे गांव में साक्षरता ही साक्षरता सुनाई दे रही थी। पुरुष और महिलाएं सभी साक्षरता केंद्र पर भारी मात्रा में आने लगे। दिन ब दिन ये भीड़ बढ़ती चली गई। हर उम्र के नव साक्षर केंद्र पर आकर साक्षर होने की कोशिश में लगे थे। गांव की चाची हो या बूढ़ी दादी, सभी बड़ी लगन से साक्षरता कक्षाओं में आते और यहां पढ़ाने के साथ साथ सिलाई कटाई बुनाई करना भी सिखाया जाने लगा। महिलाओं को जब नई नई चीजें बनाना सिखाया गया तो महिलाओं और निरक्षर महिलाओं की संख्या में और इजाफा होता चला गया। गाँव वासी निरंतर साक्षर हो रहे थे। इसके साथ ही इन्हीं साक्षरता कक्षाओं ने अतीकुर रहमान के लिए एक नई मिसाल पेश की जो पूरे गाँव में एक चर्चा का विषय ही बन गया। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अगर आप इसको चलाएंगे तो आपका ये सतत शिक्षा केंद्र भी स्वयं सहायता के माध्यम से चलता रहेगा, जीवित रहेगा। इसी वजह से उनके बताने से हमने इसको आगे बढ़ा। फिर हम ब्लॉक स्तर पर गए, वहाँ से जानकारी हुई।
उन्हें इन्हीं कक्षाओं में स्वयं सहायता समूह बनाने को प्रेरित किया गया। अतीकुर रहमान ने इसमें रुचि दिखाते हुए गांव के ही 10 लोगों को इकट्ठा करके समूह बनाया और अतीकुर रहमान की अध्यक्षता में रहमानिया स्वयं सहायता समूह के नाम से समूह का गठन किया गया। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको एहसास अपनी हालत के बदलने का। हमने सोचा भाई जब हम जो है वैसे परेशान है, रोजी रोटी से भी नहीं जुड़े हुए, तो हमने स्वयं सहायता समूह का नाम सुना था तो हमने ये समझा कि भाई जैसे सुन रखा है इसमें हम घुस के भी देखें, बड़े हैं इसमें कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा। 50 रुपए माह इकट्ठा करना शुरू किया गया। अतीकुर रहमान ने शुरू में आपस में ही लेन देन करना शुरू किया। बाद में जब बैंक में अच्छा पैसा हो गया तो अपने पुश्तैनी काम को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया। जो हमारे साक्षरता से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने आय संवर्धन के लिए अपने कार्यक्रम चुने, कुछ ने अपने डेयरी को चुना जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश के हैं, जो बुनकर समाज के लोग थे उन्होंने अपने बुनकर आधार जो हैंडलूम के जो एक करगे हैं करगे पर आधारित उन्होंने कार्यक्रम को चुना, जो कूलर जो हमारे रूम कूलर हैं उसके मैट बनाने के लिए एक जाल बनाया जाता है उसके साइड की मैट बनाते हैं उसका एक हमारे यहाँ मैं समझता हूँ ऑल ओवर इंडिया में कुछ ही प्रांतों को छोड़कर जहाँ पर वो सप्लाई करते हैं और अगर हम कभी भी देखें बड़ा अच्छा वो लगता है लोग देख वो इससे जुड़े। जो काम बंद हो चुका था उसी को बैंक से ऋण लेकर जिंदा किया गया। आज आलम यह है कि पूरे गांव में अपने सूत बनाने के काम के लिए मशहूर अतीकुर रहमान ने कूलर में लगने वाले घास को रोकने वाले सूत को बनाना शुरू किया। ये काम उनका पुश्तैनी काम था और उसे ही उन्होंने आगे बढ़ाना बेहतर समझा। आज इनके यहाँ बनाई ये कूलर की घास दूर दूर तक मशहूर है। आज बैंक का ये सारा कर्ज उतार चुके हैं, उसके बाद दोबारा ग्रेडिंग कराकर बैंक ने एक बार फिर ऋण दिया। अगर हमारे पास 10 रुपए होंगे और भारत सरकार भी ये सरकार हम प्रशासन हमें 10 रुपए देगा तो हमारे बढ़ के 20 हो जाएंगे, तो 20 रुपए से हम काफ़ी कुछ बड़ा काम निकाल लेंगे। और जब हमारे पास 5 रुपए नहीं होंगे तो हमें कोई 5 रुपए वाला चार भी नहीं दे पाएगा, इसलिए हमने चुना कि कुछ हमने 50-50 रुपए प्रति माह अपने इकट्ठे किए थे और वो जब हमारे हर महीने बचत होती रही तो हमने फिर ये किया कि भाई हम समुदाता से मिले कि भाई हम जो है बचत करने का हमें जो है एक मादा है हमारे अंदर जिज्ञासा है रुचि है तो आप हमें ये लोनिंग कराइए और हमारा कार्य बहुत अच्छा सफल है इस समय हम रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं। इस बार इन्होंने काम को और आगे बढ़ाया। आज ये सूत बनाने से लेकर कूलर के लिए बनाई गई घास तक खुद तैयार करवाते हैं और उसके बाद दूसरे प्रदेशों में इसे सप्लाई कर देते हैं। अतीकुर रहमान जो घर पर ही पहले सूत तैयार करवाते हैं सूत के बाद इसे बिगले कपड़े में बुनने के लिए जो मशीनें कभी पहले चला करती थीं, उन्हें अपने घर में ही लगा रखा है और सारा काम यही होता है। कपड़े की बुनाई इसी मशीन से होती है। अतीकुर रहमान बड़ी ही मेहनत और लगन से यहाँ काम करते हैं। उनके साथ इसमें परिवार के लोगों के साथ समूह के लोग भी लगे रहते हैं। मशीनों की आवाज के बीच से निकलकर इन कपड़ों को चावलों के पानी में डालकर निकाल लिया जाता है, उसके बाद इसे सुखाया जाता है और उसके बाद इसकी कटाई कर छोटे छोटे से टुकड़े कर कूलर के नाप के पीस बनाए जाते हैं और उसमें हाथ से सिलाई लगाकर घास भर दी जाती है जिससे कूलर में लगने वाली ये घास गीली होकर नीचे ना गिरे। आज इनका ये काम अपनी बुलंदियों पर है जिसका सारा श्रेय जाता है अतीकुर रहमान की मेहनत और जिला साक्षरता समिति को जिसके चलते गाँव में केंद्र का संचालन किया गया और वहीं से अतीकुर रहमान ने प्रेरणा लेकर समूह बनाने का ये कदम उठाया। ये गांव में होने वाले हर कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, फिर बात साक्षरता की हो या फिर पोलियो की या फिर कोई और। कभी कभी समस्या आती है भाई हमारे वोट नहीं बने, सब हम उन लोगों को जो है हमारे अंदर जो है इतनी जिज्ञासा है रुचि है हम लोगों को समझाते हैं सब कुछ होगा, तो पहले साक्षर होना जरूरी है। अतीकुर रहमान ने लोगों के लिए एक उदाहरण तो दिया ही साथ ही उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम किया जो अब तक साक्षरता से नहीं जुड़े थे। हेमपुर बुजुर्ग में साक्षरता कक्षाओं ने जो कामयाबी हासिल की अगर उसका कुछ प्रतिशत भी हर गांव में पहुंच जाए तो जल्द हर गांव हर शहर साक्षर हो चुका होगा और अपने स्वयं की मदद कर ये लोग सफलता के नए मकाम हासिल कर चुके होंगे। तो देखा आपने कि कैसे अतीकुर रहमान ने इन कक्षाओं से साक्षर होकर स्वयं सहायता समूह बनाकर कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। आज अतीकुर रहमान जैसे न जाने कितने ही लोग साक्षरता से जुड़कर अपनी जिंदगी को सफल बना रहे हैं। ये सब हर निरक्षर व्यक्ति हासिल कर सकता है, बस आपको जरूरत है साक्षरता की ओर आने की और कुछ कर गुजरने के जज्बे को जगाने की।
आइए हम आपको लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले का नाम आते ही जहन में नक्सली समस्या का ख्याल सबसे पहले आता है। इस जिले में साक्षरता दर में कमी होने का एक ये भी कारण है और ये जिला आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। लेकिन दंतेवाड़ा जिले ने साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से एक ऐसी मिसाल पेश की जो शायद कहीं नहीं होगी। ये कहानी है उन लोगों की जो निरक्षरता के साथ साथ नक्सली समस्या से जूझ रहे थे। सलवा जुड़ुम अभियान के तहत न जाने कितने ही निरक्षरों को साक्षर किया जा रहा है और आज ये साक्षर होने के साथ साथ SPO यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनकर अपने साथ साथ देश की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? कौन है ये SPO और किस तरह ये अपने साथ साथ देश की रक्षा कर रहे हैं? ये सब जानने की बेचैनी जितनी आपको है उतनी मुझे भी। तो चलिए ना, चलते हैं दंतेवाड़ा और जानते हैं कि किस तरह इन लोगों ने यहाँ तक का सफर तय किया। दंतेवाड़ा जिला आज पूरे देश की सुर्खियों में बना हुआ है। भयंकर नक्सली समस्या से जूझ रहे इस पूर्णतः आदिवासी बहुल जिले में आदिवासियों ने सशस्त्र नक्सलियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन सलवा जुड़ुम अभियान चालू कर रखा है। इसी कड़ी में एक कदम आगे बढ़कर अब जिले के आदिवासियों के द्वारा न केवल नक्सलियों के खिलाफ बल्कि अशिक्षा के खिलाफ भी बहुत ही उत्साह के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है और इसका पूरा श्रेय जाता है जिला साक्षरता समिति दंतेवाड़ा के सक्रिय सदस्यों को, जिन्होंने साक्षरता अभियान में मैदानी हकीकत से जुड़कर अभियान का संचालन किया। हम सब एक टीम वर्क से हम लोगों ने काम किया। सर्वप्रथम तो इस जिले में वातावरण निर्माण करने के लिए माहौल बनाया, माहौल तैयार किए, साथ ही गली गली में नुक्कड़ नाटकें, वॉल पेंटिंग, इसी तरीके से अक्षर यात्रा वगैरह कई कार्यक्रम आयोजित किए। और ऐसे समस्त नव साक्षर जो पांचवी बोर्ड की परीक्षा में फॉर्म भरना चाहते थे, उनके लिए परीक्षा शुल्क का वहन जिला साक्षरता समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर ने जिला साक्षरता समिति द्वारा वहन करने की घोषणा की, ताकि गरीब नव साक्षरों पर किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न पड़े। प्रौढ़ निरक्षर हैं, उन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है और इसमें बहुत से जनप्रतिनिधि, आंगनवाड़ी के सहायिका, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता और विशेष पुलिस अधिकारी जिनमें शामिल हैं, उन लोगों ने संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत पढ़ना लिखना सीखा है और कक्षा पांचवी की बोर्ड परीक्षा में शामिल होकर के परीक्षा पास उन लोगों ने किए हैं। दंतेवाड़ा जिले में चल रहे साक्षरता अभियान के फलस्वरूप आदिवासियों में शिक्षा के प्रति जो ललक उत्पन्न हुई है वो काबिले तारीफ है। नव साक्षरों के उत्साह का ये आलम रहा कि नियमित विद्यार्थियों से ज्यादा तादाद में शामिल रहकर इनके द्वारा पांचवी बोर्ड की परीक्षा दी गई। दंतेवाड़ा जिले में सलवा जुड़ुम अभियान के फलस्वरूप हजारों की संख्या में आदिवासी अपने गांवों को छोड़कर राहत शिविरों में रह रहे हैं, जहां सभी शिविरार्थी इकट्ठा होकर साक्षर हो रहे हैं। इन राहत शिविरों से कई शिविरार्थी सलवा जुड़ुम आंदोलन में सुरक्षा हेतु बनाए गए SPO परीक्षा में भी सम्मिलित हुए। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में बहुत सारे जो लोग हैं छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग के द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी यहाँ पे बनाए गए हैं, तो वो लोग जो है कक्षा पांचवी के तहत बोर्ड परीक्षा में पास होकर के अभी जो पुलिस की भर्ती हो रही है उसमें उन लोगों ने आवेदन पत्र दिया है और कई लोग उसमें चयनित हुए हैं। ये मासूम चेहरे आज अपनी शख्सियत और अपने वजूद को बचाने में लगे हैं। इन्हें जिंदगी से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है और उस तैयारी की पहली सीढ़ी है इनका शिक्षित होना, क्योंकि बगैर शिक्षा के किसी के जीवन में उजाला करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन लोगों ने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी इनकी गरीबी और उससे भी बड़ी जो समस्या थी वो थी नक्सलवादियों के जुल्मों का शिकार होना। यदि ये लोग पढ़े लिखे होंगे शायद तब इन्हें वर्गलाना मुश्किल होगा, इसीलिए जंगलों के बीचों बीच दूर दराज स्थित गाँव में स्कूल तो बना दिए गए, मगर नक्सलियों के खौफ से कोई बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच पाया। दंतेवाड़ा जिला छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित जिलों में से सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है, जहां पे जिसकी वजह से यहां की साक्षरता और बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो काफ़ी कम हैं। साक्षरता का लेवल यहां पे 2001 के सेंसस के हिसाब से तकरीबन 24% था, और चूँकि ये कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया है, यहाँ पर अंदरूनी क्षेत्रों में जहाँ पर स्कूल हैं गाँव में, वहाँ पर शिक्षक भी डर की वजह से, सिक्योरिटी की डर की वजह से जाने में डरते हैं। इस भयानक समस्या से निपटने के लिए आज ये खुद तैयार हो रहे हैं।
ये जवान जो आपको परेड करते नजर आ रहे हैं, ये किसी आर्मी या फौज का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वही जवान हैं जो हजारों की तादाद में नक्सलियों के डर से अपने घरों को छोड़कर भाग आए थे। आज इन लोगों ने डर और खौफ के साए में जीने से मना कर दिया है। इन्होंने तैयार किया अपने आप को उन लोगों से लड़ने के लिए, जिनके चलते इन्हें अपना घर बार, खेत खलिहान और न जाने कितने अपनों को खोना पड़ा। और मुझे नक्सलेट के वजह से जो मैं पढ़ाई नहीं हो पाई, और गांव से मैं जैसे सलवा जुर्म कैंप में आया, वहाँ एक साक्षरता अभियान के तहत एक स्कूल था जिसमें मैं पांचवी की परीक्षा में सम्मिलित हुआ, जहाँ पर मुझे शिक्षा मिली और पांचवी पास हो गया, एसपीओ बना। एसपीओ बनने के बाद मैं और अपने भाइयों और सभी का सुरक्षा कर रहा हूँ। इन्हें इस लायक बनाने में इनकी भरपूर मदद की दंतेवाड़ा जिले में जिला साक्षरता समिति द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों ने। ये सभी सलवा जुड़ुम अभियान के तहत यहाँ आकर शिविरों में जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे बड़ा कदम जो उठाया गया जिससे इनकी जिंदगी में उजाला लाया जा सके, वो ये था कि जिन लोगों ने पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण की, उनका एसपीओ यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नौकरी के लिए चयन किया गया। साक्षरता अभियान से यहाँ मेरे को पढ़ने की सुविधा भी मिली है, और उस वजह से हम पांचवी पास किए हैं, और हम एसपीओ बनकर हम अपने सुरक्षा भी कर रहे हैं और अपने माँ बाप की भी सुरक्षा और देश की भी रक्षा कर रहे हैं। ये वो जवान हैं जो एसपीओ बनकर अपनी और अपने परिवार के साथ साथ देश की भी रक्षा कर रहे हैं। आज इनकी दिलेरी, इनकी हिम्मत, लगन और देश के प्रति इनका समर्पण देखते ही बनता है। न जाने कितनी ही बार इन्होंने मौत को चकमा दिया है, और न जाने कितनी ही बार इन्होंने दुश्मनों पर फतह पाई है। दूर दराज के जंगलों से भाग कर आए इन लोगों को सलवा जुड़ुम अभियान के तहत इन कैंप्स में सहारा दिया गया। न जाने कितनी सहूलतें इन्हें मुहैया कराई गईं, और जो सबसे बड़ी चीज थी वो थी इनको शिक्षित करना, जिससे इनके जीवन में बदलाव लाया जा सके, शिक्षित कर इन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इसीलिए साक्षरता मिशन के अंतर्गत यहाँ कक्षाएं लगाने की शुरुआत की गई, और आज न जाने कितने ही परिवारों के बच्चे इन कक्षाओं में आकर पढ़ते हैं, जिससे इनके जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब ये शिक्षित हुए। इन्हीं कक्षाओं से पांचवी की परीक्षा उत्तीर्ण कर एक ग्रुप तैयार हुआ, सूर्या ग्रुप, जो आज पूरी लगन और त्याग से एसपीओ की नौकरी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाली जेनरेशन में ऐसी बहुत सी पौध तैयार हो जाएगी जो इन्हीं कक्षाओं से शिक्षित होकर देश की रक्षा करती नजर आएगी। यकीन नहीं होता ना कि ये आर्मी के जवान थे या यहाँ इन्हीं के बीच से निकलकर साक्षरता कक्षाओं के सहारे अपने आप को इस लायक बना पाए। ये जवान एसपीओ बनकर अपने साथ साथ अपने जैसे हजारों भाई बहनों की हिफाजत का जिम्मा उठा रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है इन साक्षरता कक्षाओं ने। खैर, अब आपको हम ले चलते हैं झारखंड, और मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने इन्हीं साक्षरता कार्यक्रमों का सहारा लेकर अपने क्षेत्र की फिजा ही बदल कर रख दी। शाहिना परवीन, जो काजी पकरी, जिला पलामू, झारखंड की रहने वाली हैं। एक मुस्लिम होने के बावजूद घर से बाहर निकलकर इन्होंने अपने क्षेत्र में साक्षरता का ऐसा परचम लहराया कि जिसके तले न जाने कितने ही निरक्षर साक्षर होकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुके हैं, और उनका ये सफर आज भी जारी है। शाहिना परवीन झारखंड के छोटे से गांव काजी पकरी, जिला पलामू में एक मुस्लिम परिवार में जन्मी और पली बढ़ी। एक छोटे से गांव की ये लड़की सफलता के पंख लगाकर उड़ना चाहती थी, मगर हालात के कारण वो ज्यादा पढ़ नहीं सकी और उसे कक्षा 9 के बाद अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ी। जल्दी ही उसकी शादी कर दी गई। जब वो ससुराल आई तो वहां शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं था, मगर वो इनके लिए कुछ करना चाहती थी। वो अपने गांव की महिलाओं को साक्षर देखना चाहती थी। मैके से लेकर आए सपनों को ससुराल में पूरा करना आसान नहीं लगता था, मगर शाहिना ने अपने ख्वाबों को मरने नहीं दिया। और एक दिन ऐसा आया जब शाहिना को अपनी ससुराल की तरफ से घर से निकलने और काम करने का मौका मिला, और इस मौके को शाहिना ने हाथ से जाने नहीं दिया। जब साक्षरता आई मेरे गाँव में तो मेरे दिल में ललक जाग गई, और हम सोचे कि हम पढ़े हैं और अगर सभी को पढ़ा देते तो बहुत अच्छी बात है। और अपने घर वाले से, अपने शहर से बोले कि हम साक्षरता में जुड़ना चाहते हैं,
उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है से, पहले तो उन्होंने बोला कि नहीं ये सब अच्छी बात नहीं है, या क्यों घर से बाहर निकलेगी, लेकिन फिर मेरे ससुर जी सास जो थे उन लोग को मैं मनाई, बोली कि नहीं मैं इसमें जुड़ना चाहती हूँ, मुझे जुड़ने दीजिए। और उन लोग के दिमाग में ये बात भी आ गई और मुझे बाहर जाने दिए और उसके बाद मैं पढ़ाने लगी। गाँव में राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई, ज्यादातर लोग इससे अनजान थे। और इसी बीच शाहिना की मुलाकात एक संयोजिका से हुई। बातों बातों में शाहिना ने अपने मन की बात कही और इससे जुड़कर वीटी का पद हासिल करके इस अभियान में कूद पड़ी और शुरुआत की एक ऐसे काम की जिसको वो बचपन से करना चाहती थी। इस गांव में निरक्षरों की संख्या बहुत अधिक थी, इन्हीं लोगों को साक्षर करने के लिए उसने समझाना शुरू किया। शाहिना ने सबसे पहले गाँव की कुछ निरक्षर महिलाओं की सूची बनाई और उनसे साक्षरता कक्षाओं तक आने को कहा, मगर ऐसा होना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। गांव की महिलाओं को साक्षरता के महत्व को समझा पाना एक टेढ़ी खीर थी। शाहिना ने हिम्मत हारे बिना महिलाओं को नारी अत्याचार, अपना हक, अधिकार और विकास के बारे में समझाना शुरू किया। उन लोगों को मैं घर घर गई और जाने के बाद उन लोग के बुलाएं अपने घर में कि चलिए मेरे घर आप, थोड़ा सा आप लोग से कुछ बात करना है। और फिर उन लोग को बुला के बोले कि देखो तुम लोग अनपढ़ हो, तुम लोग पढ़ो, पढ़ेगी लिखेगी तो तुम बहुत कुछ जानकारी तुम्हें मिलेगी। और उन लोग बहुत हमको बोलने भी लगे कि नहीं हम अब क्या करेंगे पढ़ने के, हमको पढ़ाई लिखाई से कुछ फ़ायदा नहीं है होने वाली। लेकिन उन लोग फिर हम समझाएं कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और फिर हम मेरे पास 4-5 महिला लोग आने लगी, उसके बाद फिर धीरे धीरे 10 आने लगी। क्योंकि शाहिना के मैके में गाने बजाने का शौक था और शाहिना की भी इसमें अच्छी खासी रुचि थी, तो उसने विचार किया कि क्यों ना गाने बजाने को ही माध्यम बनाया जाए। और शाहिना ने कलम उठाकर साक्षरता गीत लिखने की शुरुआत की। शाहिना की कलम से निकला एक एक शब्द साक्षरता से जुड़ा होता था। शाहिना को खुदा ने एक अच्छी आवाज से नवाजा है, इसी का फायदा उठाते हुए शाहिना ने अपनी एक टोली बनाई और स्वयं साक्षरता गीत लिखकर गाना शुरू कर दिया। शाहिना ने एक एक करके गांव की महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। देखते ही देखते ये तादाद दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती गई और अपने घर के सामने ही एक पेड़ के नीचे शाहिना ने कक्षाएं लगानी शुरू कर दी। आज गांव की हर महिला पुरुष शाहिना के मुरीद हो चुके हैं। साक्षरता के प्रति गांव के लोगों को और अधिक जागरूक करने के लिए शाहिना ने एक रणनीति बनाई और अपने भाई और एक दो रिश्तेदार सदस्यों को जोड़कर गाने बजाने की एक मंडली बनाकर साक्षरता गीतों को कव्वाली के रूप में गांव-गांव में पेश किया। क्योंकि वो देख चुकी थी कि अगर इन लोगों को कोई गा बजाकर समझाए तो वो ज्यादा जल्दी समझ लेते हैं। पूरे गांव में साक्षरता गीतों की आवाज गूंजने लगी और उसके साथ अगर किसी के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी तो वो थी शाहिना। उसका ये सफर इतने पर ही नहीं रुका। उसी मंडली द्वारा साक्षरता से जुड़े नाटक लिखकर गांव-गांव पेश करके इन नाटकों के माध्यम से उसने साक्षरता की अलग जगाने का काम शुरू किया। ये इतना कारगर हुआ कि गांव की हर महिला, पुरुष और बच्चे साक्षरता के महत्व को अच्छी तरह से समझ सके। शाहिना ने गांव वासियों के हृदय परिवर्तन का जो कार्य किया उसको देखते हुए उन्हें वीटी से एमटी बना दिया गया। सफलता का यह सफर यूं ही चलता रहा और शाहिना एक एक करके सारी मुश्किलों को पार करती चली गई। इसमें हर कदम भरपूर साथ दिया जिला साक्षरता समिति के सदस्यों ने। जब हम जितना अनपढ़ लोग 10 अनपढ़ जो पढ़ा रहे थे उन लोग बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए। उसके बाद में मुझे वहाँ के जितने भी अनपढ़ लोग थे और जनता लोग भी की नज़र में मैं चढ़ गई और लोग बोला कि आप वीटी से एमटी बन जाए क्योंकि आप बहुत अच्छी काम कर रही हैं। तो फिर सभी की मर्जी से मैं एमटी बनी। शाहिना के साक्षरता गीतों की ऐसी धूम मची कि गांव से पंचायत और पंचायत से प्रखंड तक जा पहुंची और सभी महिला और पुरुषों से शाहिना को मान सम्मान मिलने लगा।
शाहिना के काम से खुश होकर उन्हें एमटी से बीटीएफ बना दिया गया। शाहिना ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से न जाने कितने ही लोगों को साक्षर बनाया। शाहिना ने अपने परिवार और अपने इस कार्य के बीच जो सामंजस्य बिठाया वो वाकई काबिले तारीफ है। मुस्लिम होने के नाते वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं और परिवार की सारी जिम्मेदारियों को भी पूरा करती हैं। इस कार्य में शाहिना के पति और ससुराल वालों ने हर कदम पर उसका साथ दिया। आज शाहिना का परिवार उस पर गर्व करता है। एक छोटे से गांव की इस लड़की ने अपने गांव और आसपास के क्षेत्र के लिए जो किया है उसका कोई मूल्य नहीं है। और आज भी शाहिना की जिंदगी का कोई मकसद है तो वो है साक्षरता। जब तक जीवन है तब तक साक्षरता अभियान में उनकी भागीदारी अग्रणी रहेगी। शाहिना ने जो सपने बचपन में देखे थे वही सपने आज वो दूसरों की आंखों में दे रही हैं। अपने ख्वाबों को जिंदा रखकर अपनी मंजिल की तरफ वो बढ़ी जा रही हैं। शाहिना ने जिस तरह अपने जीवन का मोड़ बदला है वो आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है हिम्मत, दिलेरी और दृढ़ संकल्प की। बस दुआ यही है कि जो ख्वाब अभी अधूरे हैं वो भी एक दिन पूरे हों। हर महिला साक्षर हो, हर पुरुष जागरूक हो और हर बच्चा आने वाले भविष्य को बेहतर बनाए साक्षरता के पथ पर चलकर। दोस्तों, ये वही शाहिना थी जो कल तक अपने घर से बाहर कदम निकालने में अक्षम थी, मगर उसने अपने आप को सक्षम बनाते हुए न केवल घर से बाहर कदम रखा बल्कि अपने क्षेत्र में साक्षरता का ऐसा जादू चलाया जो आज सभी के सिर चढ़ चुका है। हमें उम्मीद है कि आज हमारा ये एपिसोड आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और हम मिलवाएंगे एक ऐसे इंसान से जिसने इन साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए अपने जीवन को एक नया आयाम दिया है। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों, कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है, मंजिलें